हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एमईवे से। तो दैनिक जागरण की तरफ से एक आर्टिकल देखने को मिला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एमईवे जो है वो लॉकअप सीजन 2 में आने वाला है। तो उस आर्टिकल में ये कहा गया कि एमसी स्टैन जैसे कि बिग बॉस जीते हैं और जिस तरीके से एमसी स्टैन ने टीआरपी ला के दिए बिग बॉस को, तो अब हर रियलिटी शो वाले एक रैपर को चाहते हैं अपने रियलिटी शो में। तो अभी लॉकअप के क्रिएटर्स की तरफ से एमईवे को ऑफर दिया गया है। अब वो एमईवे पे डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। तो अब देखते हैं आगे वाले टाइम में जो भी अपडेट आएगी इससे रिलेटेड मैं आप लोग को बता ही दूंगा। खैर, अब बात कर लेते हैं किंग के बारे में। तो एक भाई जो है वो एक ट्वीट करता है, भाई लेजिट 30-40 मिनट किंग के गाने सुनने पड़े बैक टू बैक बार बार की वजह से, अच्छे गाने बनाया कर भाई। तो किंग इसका रिप्लाई करता है, हा हा जी सर ठीक है, कोशिश पूरी करूंगा, मगर आप भी इतनी तो पावर लाओ खुद के वजूद में कि यहाँ फ्री का ज्ञान पेलने से अच्छा एक बार बार के गाने को तो चेंज करवा सको। थैंक यू 30-40 मिनट मुझे झेलने के लिए भाई। इसके अलावा किंग का कार्निवल एल्बम से शी डोंट गिव अ जो ट्रैक है उस पे 100 के रील्स हो चुकी है। तो वो लिखता है, थैंक यू फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग द रिकॉग्निशन इट डिजर्व्स आफ्टर 2 years ऑफ इट्स रिलीज। तो ये ट्रैक भी अभी रील्स पे वायरल होने लगा है। तो अब बात कर लेते हैं एमसी स्टैन के बारे में। तो एमसी स्टैन की एल्बम अभी 100 million स्ट्रीम्स करने वाली है। तो स्टैन लिखता है, न्यू म्यूजिक सून, 1 year टू इंसान एल्बम, नियरिंग 100 million स्ट्रीम्स ऑन स्पॉटिफाई, 100 million प्लस ऑडियो व्यूज ऑन यूट्यूब हिस्ट्री। तो अब बात कर लेते कृष्णा के बारे में। तो जैसे कि कल इंदौर में शो था कृष्णा का, तो इससे पहले भी कृष्णा इंदौर में आ चुका है। तो उस टाइम पे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा था वो उन्होंने कल के शो में बताया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। भाई मैं इंदौर आया था 2019 में आया था, मैं लास्ट एक ही बार आया हूँ, पहले 2019 में आया था। उस टाइम नया नया सीरम मेकओवर आया हुआ था, करीब 50-100 लोग आए थे, बट अब थोड़ा चेंज हो गया ना, अब नॉर्मल लोग भी आते हैं रैप के। पहले ऑडियंस में सर रैपर ही होते थे, ऐसे देख रहे होते थे जैसे तुमसे बेटर रैप करना हो। इसके अलावा आई शो स्पीड जो है वो कृष्णा के 10 पे 10 ट्रैक पे रिएक्ट करता है। इसके अलावा हनी सिंह का एक गाना आने वाला है होमी दिल्ली वाला के साथ में, गाने कने में कन्ना विचवालिया। इसके अलावा फ्लोबो का गाना आउट हो चुका है जिसका नाम है नेवर माइंड। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।